नमस्कार, मेरा नाम सपना दिनोदिया है और मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम अप्लाइड फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नैनो मटेरियल्स इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। नैनो मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का साइज या उनके किसी मटेरियल के पार्ट का भाग का साइज जो है वो नैनो स्केल डायमेंशन में होता है। नैनो स्केल का मतलब होता है 10^-2 मीटर और ये 1 मीटर का बहुत छोटा हिस्सा होता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को अगर का हम अगर 1 करोड़वां हिस्सा लें तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। नैनो मटेरियल्स को अगर परिभाषित किया जाए तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये वो नैनो मटेरियल होते हैं जिनमें किसी सिंगल यूनिट का साइज और उसकी कोई ना कोई एक डायमेंशन जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। नैनो मटेरियल्स में कुछ अद्भुत प्रकार की ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण ये बल्क मटेरियल से जो है अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इसीलिए इनको हम साइंस और टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में काम में लेते हैं, जिसे हम नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। नैनो मटेरियल्स को हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक नैनो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरा नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स होते हैं। जो नैनो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मटेरियल के डिस्क्रीट पार्ट के रूप में होते हैं, अर्थात मटेरियल का एक अलग हिस्सा होता है जो कि नैनो स्केल डायमेंशन का होता है। और जो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स होते हैं वो एक बल्क मटेरियल हो सकते हैं जिनके इंटरनल में या सरफेस में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि नैनो स्केल में होती हैं। नैनो मटेरियल्स को आगे हम और जो एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को, जो नैनो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम इस प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं कि उनकी कितनी डायमेंशंस जो है वो नैनो स्केल में होती हैं। इस बेसिस पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स, नैनो फाइबर्स और नैनो प्लेट्स। नैनो पार्टिकल्स वे नैनो मटेरियल्स होते हैं जिनकी तीनों डायमेंशंस जो होती हैं वो नैनो स्केल में होती हैं, और जो नैनो फाइबर्स होते हैं वो इस प्रकार के नैनो मटेरियल्स हैं जिनकी केवल 2 डायमेंशंस होती हैं वो नैनो स्केल में होती हैं। 1 डायमेंशन जो है वो सिग्निफिकेंट लार्ज होती है, नैनो स्केल में नहीं होती। नैनो फाइबर्स को आगे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक नैनो ट्यूब्स और एक नैनो रोड्स होगी। जो नैनो फाइबर्स हैं अगर वो खोखली नली के रूप में होते हैं, उनके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता है, तब हम उनको नैनो ट्यूब्स कहते हैं। और अगर नैनो फाइबर के अंदर कोई मटेरियल फिल्ड हो जाता है, अर्थात वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती हैं, तब हम उनको नैनो रोड्स कहते हैं। एक तीसरे प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के रूप में, नैनो ऑब्जेक्ट्स के रूप में हमारे सामने नैनो प्लेट्स होती हैं। नैनो प्लेट्स इस प्रकार के नैनो मटेरियल्स हैं जिनकी केवल जो है 1 डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल में होती है और बाकी की 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में नहीं होती। इनके एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि एक पतली परत के रूप में होते हैं, पतली लेयर के रूप में होते हैं, इनके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं नैनो रिबन्स। दूसरे प्रकार के जो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स हैं वो वे मटेरियल्स हैं जो कि बल्क मटेरियल्स के रूप में होते हैं, परंतु इनके इंटरनल में या सरफेस पर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि नैनो स्केल में होते हैं। इनको हम इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनके अंदर जो मटेरियल है वो किस फेसेस में है। जिस इनके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं नैनो कंपोजाइट। नैनो कंपोजिट एक सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे रीजन जैसे फिजिकली या केमिकली ऐसे कुछ डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं जो कि नैनो स्केल में, जिनकी कम से कम 1 डायमेंशन है वो नैनो स्केल में होती है। इसके अतिरिक्त नैनो फॉर्म इस तरीके के मटेरियल होते हैं जो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, परंतु इनके अंदर कुछ गैसेस फेज होती है जो कि जिसकी डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त नैनो पोरस मटेरियल भी नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं जो कि एक बल्क सॉलिड मटेरियल के रूप में हो सकते हैं और इनके अंदर जो है वो नैनो पोर्स पाए जाते हैं। नैनो पोर्स मतलब ऐसी कैविटीज पाई जाती हैं जिनकी डायमेंशंस नैनो स्केल में होती हैं। इसके अतिरिक्त नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स भी हो सकते हैं कि एक मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन उन क्रिस्टल्स का हो सकता है जो कि नैनो स्केल में होते हैं।
अब हम देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स किन सोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं। इनको हम तीन प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक इंजीनियर, दूसरा इंसिडेंटल और तीसरा नेचुरल। इंजीनियर सोर्स के रूप में हमें जो नैनो मटेरियल्स प्राप्त होते हैं वो नैनो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें कि ह्यूमन द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो अपने आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कुछ मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए हम इस प्रकार के जो नैनो मटेरियल्स हैं वो बनाते हैं, और ये जो है इंजीनियर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के नैनो मटेरियल्स इंसिडेंटल नैनो मटेरियल्स होते हैं। ये वो नैनो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें की मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, बल्कि ये किसी मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे जो है व्हीकल इंजन से या फिर जो वेल्डिंग फ्यूम से मिलने वाले या डोमेस्टिक फ्यूल हीटिंग से या कुकिंग से। इस प्रकार के इंसिडेंटल नैनो मटेरियल्स हमें मिलते हैं। एक एग्जाम्पल के हम रूप में हम देख सकते हैं कि जो गैसेस है या बायोमास है या कैंडल है, उसके बर्निंग से हमें एक नैनो मटेरियल मिलता है जिसे कि हम फुलेरिन कहते हैं। इस प्रकार के जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तीसरे प्रकार के नैनो मटेरियल्स के रूप में हमारे पास नेचुरल जो है सोर्सेस हमें मिलते हैं। इन सोर्सेज में जैसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स या वायरस की स्ट्रक्चर्स जो है वो नैनो मटेरियल्स के रूप में हो सकती हैं। इसके प्रकार इसके अतिरिक्त कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड्स इस प्रकार के होते हैं कि उनमें ऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे बटरफ्लाई विंग्स हैं, कुछ मैराइन स्पीसीज हैं या फिर कुछ बीटल्स हैं, उनमें कुछ स्पेशल इफेक्ट कलर पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक फोटोनिक क्रिस्टल्स नाम के नैनो मटेरियल्स पाए जाते हैं, और जो फोटोनिक क्रिस्टल्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है कि इनके अंदर फोटोनिक बैंड गैप पाए जाते हैं, और इन फोटोनिक बैंड गैप के कारण ये जो है हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल होते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स विंग्स हैं, जो बीटल्स हैं और जो मैराइन स्पीसीज हैं उनके हमें इरिडेंस कलर्स जो है वो प्राप्त होते हैं। इरिडेंस कलर्स का मतलब ये है कि जो डिफरेंट एंगल से जिस कलर को देखा जाए तो वो अलग तरीके से प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी नेचर में कुछ इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर कुछ केमिकल जो कंडीशंस होती हैं और रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू जो है इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में वॉल्केनिक एक्टिविटी के रूप में जो हमें एक ओपल नाम का नैनो मटेरियल मिलता है, जो कि एक प्रकार का फोटोनिक क्रिस्टल होता है। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स को हम किन किन क्षेत्रों में जो है काम में ले सकते हैं। जो नैनो मटेरियल्स हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान और बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में काम में लेते हैं, जैसे पेंट्स, फिल्टर्स, इंसुलेटर, लुब्रिकेंट आदि बनाने में। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो नैनो मटेरियल्स जो काम में लिए जाते हैं वो नैनो एंजाइम बनाने में काम में लिए जाते हैं। जो नैनो एंजाइम है उनके करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल जो ह्यूमन बॉडी के जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं उनकी तरह ही होते हैं। इस कारण ये एंजाइम्स जो है नैनो एंजाइम्स उनको हम बायोलॉजिकल सेंसिंग में, बायो अमेजिंग में और ट्यूमर डायग्नोसिस में भी काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा जो नैनो मटेरियल्स हैं उनको हम मेडिकेशन और ट्रीटमेंट में भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि जो नैनो मटेरियल्स हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर छोटी से छोटी सेल को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो पेंट्स बनाने में जो नैनो मटेरियल्स काम में लेते हैं उनकी खासियत ये होती है कि जो पेंट्स होते हैं वो यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, अर्थात उन पर धूप या प्रकाश का असर नहीं होता है, और दूसरा चूंकि ये पेंट्स स्मूथ होते हैं तो उनकी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। इसके अतिरिक्त नैनो मटेरियल्स जो है वो हाई क्वालिटी के फिल्टर्स बनाने में काम में लिए जाते हैं, और इन फिल्टर्स की कैपेसिटी इतनी होती है कि ये पानी में से छोटा पार्टिकल है, इवन जो छोटे से छोटा वायरस है उसको भी वो जो है रिमूव कर सकते हैं। एयर प्योरिफिकेशन में भी नैनो मटेरियल्स काम में लिए जाते हैं। इसके एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं कि 2012 में सऊदी अरब में जो है हॉस्पिटल्स की एयर को
क्लीन करने के लिए और मार्स नाम के वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए जो एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम अपनाया गया था उसमें नैनो टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी, जिसमें कि नैनो मटेरियल्स का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त नैनो मटेरियल्स जो है वो इंसुलेशन जो मटेरियल्स है इंसुलेटेड, उनको बनाने में काम में आते हैं, जो कि एक मॉडर्न और ह्यूमन सेफ इंसुलेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। जो नैनो मटेरियल्स हैं उनको हम लुब्रिकेंट्स में भी एडिटिव के रूप में काम में लेते हैं। अगर इन नैनो मटेरियल्स को लुब्रिकेंट्स में काम में लिया जाता है तो जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके फ्रिक्शन को वो काफ़ी रिड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसके कारण जो मशीन है उसके विभिन्न पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाने से उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त नैनो मटेरियल्स की जो हम नैनो स्केल फिल्म है उसको हम आई ग्लासेस कंप्यूटर कैमरा डिस्प्ले पर भी विंडोज की स्क्रीन पर भी जो है काम में लेते हैं, और इस स्क्रीन को जो कि नैनो मटेरियल से बनी होती है इसको अगर काम में लिया जाता है तो जो स्क्रीन है वो वाटर रेजिस्टेंस हो जाती है, एंटी रिफ्लेक्टर हो जाती है, सेल्फ क्लीनिंग हो सकती है उसकी, और इसके अतिरिक्त वो यूवी और इंफ्रारेड लाइट प्रोटेक्टिव हो जाती है, एंटी फॉग, एंटी माइक्रोबियल और स्क्रैच रेजिस्टेंस हो जाती है, अर्थात इन चीज़ों का फॉग का और जो वायरसेस है स्क्रैच का उस स्क्रीन पर असर नहीं होता। इसके अतिरिक्त नैनो मटेरियल्स जो होती हैं वो बहुत सारे ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के काम में दिए जाते हैं, और इन डिवाइसेस को हम इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स के रूप में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के रूप में, कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग में, सोलर एनर्जी फॉर्मेशन में, और इसके अतिरिक्त एनर्जी हार्वेस्टिंग में जो है इन डिवाइसेस को काम में लिया जाता है जो कि नैनो मटेरियल बेस्ड होती हैं। जो नैनो मटेरियल्स हैं उनका एक यूज ये है कि इनके उपयोग के द्वारा हम लाइट वेटेड जो है कार्स, ट्रक्स, एयरप्लेन, स्पोर्ट्स और स्पेस क्राफ्ट आदि बना सकते हैं। ये सारे व्हीकल्स जो होते हैं इनका वेट जो होता है वो कम हो जाता है नैनो मटेरियल के उपयोग से, जिसके कारण जो है फ्यूल की जो है सिग्निफिकेंट सेविंग होती है। इसके अतिरिक्त जो नैनो मटेरियल्स हैं वो हम जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं जैसे बेसबॉल बैट्स, टेनिस रैकेट्स और जो बाइसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, हेलमेट्स, इनके पार्ट्स, लगेज आदि और पावर टूल्स हाउसिंग्स में जो है लाइट वेटिंग मटेरियल्स जो है वो काम में लेते हैं, जो कि ड्यूरेबल होते हैं, स्टिफ होते हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्बन नैनो ट्यूब शीट्स हैं उनका जो उपयोग हम नेक्स्ट जनरेशन में एयर व्हीकल्स के रूप में देख सकते हैं। अगर उनको हम जो फ्यूचर में अगर एयर व्हीकल्स के रूप में अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो वो ना तो केवल जो है वेट को रिड्यूस करेंगे इन व्हीकल्स के, बल्कि जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग और थर्मल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अधिक सुटेबल रहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। थैंक यू।